morning. प्यारे बच्चों बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया जैसे सुशील जी ने कहा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज पे आपने किया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और मुझे दिखता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं डिबेटर बन सकते हैं ये एक आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम शुरू हो रहा है पूरे 75 वीक का प्रोग्राम है और गुजरात से आज ये शुरू हो रहा है इतिहास आपने सब जान लिया लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि महात्मा गांधी का ये जो स्टेप था तो ये स्टेप अपने आप में हिस्टोरिक था अभी एक सुहेल ने बोला है कि टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को उस साल पर्सन ऑफ द ईयर यानी उस साल के सबसे चर्चित व्यक्ति थे महात्मा गांधी 1930 के तो उसका कारण यही था कि ये जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था साल्ट रूल को ब्रेक करने के लिए साल्ट पे टैक्स लगा दिया था हमने ब्रिटिशर्स ने तो उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये किया और आज पूरे देश में इसका एक यानी ये अमृत उत्सव जो है उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे देश के लगभग सभी प्रांतों में हर स्टेट में इसका कोई ना कोई जो यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 16 साइट्स डिसाइड किया उन 16 साइट पे डिफरेंट प्रोग्राम होंगे दिल्ली में भी है आज नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी सरकार का प्रोग्राम है और बहुत सारे ये प्रोग्राम चलते रहेंगे 75 वीक यानी जो हमारा 15 अगस्त 2022 होगा तब तक जो 75 साल होंगे 75 महीने वो सप्ताह होंगे तो 75 सप्ताह तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा और इसका एक मैसेज यही है कि आजादी में जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया जिन्होंने देश को एक किया और उस समय जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आज 81 जा रहे हैं वहां से यानी अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से और दांडी तक नवसारी में जगह पड़ती है और लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा है ये 25 दिन में ये पूरी करेंगे और 6 तारीख को इसका वहां पे समापन होगा महात्मा गांधी ने भी 6 तारीख को नमक का वो ब्रेक किया था तो ये सारी चीजें हैं ये आपके पास हिस्ट्री में भी है अभी मैं सुशील जी से बात कर रहा था ये चैप्टर आपके पास है और डेफिनेटली छोटा क्वेश्चन हो बड़ा हो एक मार्क का हो दो मार्क का हो डेफिनेटली आ सकता है आप इस पे ध्यान देंगे इसी तरीके इंग्लिश में भी आपके पास एक चैप्टर इंडिगो इंडिगो में महात्मा गांधी ने जो चंपारण के जो शेयर ट्रॉपर्स थे उनके लिए मूवमेंट चलाया था और ये मैं आपको बता दूं जब भी आपको हिस्ट्री की कभी बात होगी कि चंपारण से हमारे देश का जो एक नक्शा था जो हमारी यानी स्वतंत्रता की लड़ाई थी एक्चुअली वो चंपारण से शुरू हुई थी तो बूंदे आ रही है वैसे तो हम काफी शेयर करते हैं और बातें करते हैं लेकिन अब हम ये जो अनाउंस कर लेते हैं रिजल्ट तो इन लोग अपने बच्चों को बुलाएंगे